स्टार्ट है। सो गाइस चल रहा है रात में काम, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल्टो का काम चालू है, अभी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मरीनों को पूरे पैनल जितने थे पेंटिंग के, बाइक से काम चालू है, जैसे पेंट हो गया है काफ़ी हद तक मैट ब्लैक, जैसे हम लोग मेटालिक पेंट मारने वाले हैं। इंजन में पूरा रॉयल चेंज होगा, शॉपर पूरा फिफ्टी उट्टी भर दिया गया है, प्रॉपर बराबर कर दिया गया है, उसको ही संभाला जाएगा। इसके पैलेस दिखाते हैं आपको, पेंट हो गया है काफ़ी, ग्लॉस में है एंड इसमें ग्लिटर भी है। जब फाइनल गाड़ी बन जाएगी तो आप उसका वीडियो देख लीजिएगा, फिर वीडियो ये यहाँ पर पैनल देख सकते हैं, पास से देखिएगा दिखेगा आपको, इसमें ब्लू ग्लिटर विटर सब है, पूरा प्रॉपर यू पेंट मारा गया है एंड पूरा इसमें स्पार्कल है। तो ये हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं इसके फाइबर पार्ट्स, इसको लगेगा आपको एकदम नया फाइबर पार्ट है, जैसे पार्ट पुराने हैं देख सकते हैं, अंदर से देखिए पुराना दिखेगा, ओरिजिनल हीरो का पुराना पार्ट है, इसको प्रॉपर पेंट किया गया है बॉडी कलर भर भर के। ये हो गया, यहाँ पर फुल पेंट हो गई है, अच्छा छोड़ दिया, पूरी गाड़ी पेंट हो गई है, इसमें लगे हुए बाकी है, अभी पेंट बूट में लगा था, प्रॉपर ड्राइंग हो गई है, बहुत बढ़िया फिनिश आया है, खाली इसमें सैंडिंग रबिंग सब बाकी है। ये सब उसके डोर हैंडल ORVM देख सकते हैं, डोर हैंडल्स पूरे हो गए हैं, प्रॉपर सूख गए हैं, ORVM रखा हुआ है, दिखा दीजिए गाड़ी को पूरा, बोनट वोनट सब पेंट हो गया है, बिफोर आप देख लीजिएगा, अलग अलग वीडियो दिख जाएगा आपको फुल वीडियो में, ये हो रहा है। इसमें अलॉय व्हील वगैरह पेंटिंग नहीं है, क्लैडिंग व्लैडिंग कुछ नहीं करना है। इसके अलावा देख सकते हैं ये अलॉय व्हील आई है अपने पास KTM की, 250 या 200 की है, तो इसमें प्रॉपर सैंडिंग कर दिया गया है, इसमें अब प्राइमर मार के ग्लॉस ब्लैक पेंट किया जाएगा। बाकी ये सुपर स्प्लेंडर दिखाए थे आपको, उसके आगे के पार्ट ग्लॉस ब्लैक पेंट कर दिए गए हैं, पीछे के जो फाइबर पार्ट है इसको मैट ब्लैक पेंट करेंगे, प्रॉपर देख सकते हैं इवन फाइबर पार्ट में पूरा पुट्टी भर के पेंटिंग होएगा। एक और दिखाते आपको गाड़ी, यहाँ बुलेट है जो कस्टम बुलेट बन रही थी, इसका पूरा अलग सीट मिलेगा आपको, तो पास देखिए अभी काफ़ी गंदी पड़ी हुई है, इसमें सारे ही पैनल पेंट हो गए हैं, पूरे ग्लॉस ब्लैक है, टंकी अलग रखी हुई है, मडगार्ड से देख सकते हैं इसका, अगर इस मडगार्ड पर हम लोग ये अलग प्लेट लगा रहे हैं, ये प्लेट कस्टम फैब्रिकेट की है, ये पूरे इंडिया में आपको ऐसी प्लेट चाहेंगे तो मार्केट में नहीं मिल सकती, देखने में आसान लग रहा होगा बट इस प्लेट को बनाने में बहुत टाइम लगा है, कम से कम 5-6 घंटा इस प्लेट को बनाने में लगा है, एंड इसे बहुत R&D हुई है, 3-4 बार प्लेट बनाए हैं तभी हुआ है, एंड प्रॉपर प्लेट में एक ही जगह बॉडी फ्लो पुट्टी भर के एकदम स्मूथ करके जो लगे कि हाँ ये कंपनी की गाड़ी बन के आई है। छोटी सी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे आप, ये मडगार्ड है इसका, इसमें पिंच टाइप की गई है एंड पिंच टाइप की कस्टमर की बहुत स्पेसिफिक डिमांड थी कि हमें इतने कितने से पिंच टाइप की गई है, इसमें बहुत लोग R&D करके बहुत ट्राई करके पिंच टाइप करवा रहे थे एंड ये पिंच टाइप पेंट के अंदर है, बाहर नहीं है पेंट की, तो उसके ऊपर लाकर मारा गया। तो इसे पूरा रबिंग बाकी, इसके बाद इसकी शाइनिंग कर लीजिएगा, पर्ल वाइट पेंट का प्रॉपर पेंट हो गया,